आइए इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास एक डाई है जिसमें 6 फेसेस होंगे, उसमें से जो 3 फेस है 1, 2, 3 उसको रेड कलर का कर दिया गया है, ये रेड कलर का है, और जो 4, 5, 6 है वो ग्रीन कलर के हैं। अब उसे हम उछालते हैं। अब उसने कहा कि दो इवेंट्स उसने डिफाइन कर लिए कि ए जो है एक इवेंट है जिसमें नंबर ऑब्टेन्ड इज इवन, जब कोई इवन नंबर आएगा तब इवेंट ए हो जाएगा, यानी कि अगर 2 आए, 4 आए और 6 आए तो हम बोलेंगे कि इवेंट ए हो गया। बी बी द इवेंट नंबर ऑब्टेन्ड इज रेड, और अगर रेड वाला नंबर आ गया यानी कि 1, 2, 3 आ गया तो हम बोलेंगे कि इवेंट बी हो गया। तो बी हो जाएगा जब रेड कलर का कुछ आएगा, यानी कि 1, 2, 3। अब हमको ये पता करना है कि फाइंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं। तो कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे? जैसा कि इस नाम से ही हमें लग रहा है, अगर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे फर्क ना पड़े तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि पी ऑफ कोई इवेंट ई है बाय एफ, यानी कि एफ के होने के बाद ई के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कही जाती है ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ के बराबर, पी ऑफ एफ के बराबर। तो अगर इसको मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो हो जाएगा पी ऑफ एफ टाइम्स पी ऑफ ई बाई एफ के बराबर। अब हम कह रहे हैं कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, कि इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, कि वो एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वो एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो एक के होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि एफ के होने के बाद ई के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ई के होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर ही होनी चाहिए। यानी कि यहां से मैं बोल रहा हूं P of E intersection F, अगर P of F times P of E रहे, F के होने से उस पर फर्क ही ना पड़े, तब हम बोलेंगे कि जो दोनों हमारे इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर ये कंडीशन इवेंट सेटिस्फाई करते हैं तो हम बोल देंगे कि हाँ, मैथमेटिकली भी हमने देख लिया और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। जैसे कि इस केस में A इवेंट ये है, B इवेंट ये है, तो देखते हैं कि दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो चलिए हम इंटरसेक्शन पता करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ऐसा ट्रायल, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी जो कि ए में भी हो रहा है और बी में भी हो रहा है, तो कॉमन मुझे यहाँ पे ये 2 दिख रहा है कि अगर 2 आए तो ए को भी सेटिस्फाई करेगा और बी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं बोल लूंगा कि जो 2 अगर मुझे मिल जाएगा तो वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो तीनों की हम पहले प्रोबेबिलिटीज पता कर लेते हैं। हमारा जो पूरा सैंपल स्पेस है वो क्या है, सैंपल स्पेस कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है जो हो सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ए इवेंट को होने के लिए इन 6 पॉसिबिलिटीज में ये 3 पॉसिबिलिटीज अगर हो जाए तो इवेंट ही हो जाएगा, यानी इसके होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए वो हो जाएगी 3 out of 6, यानी कि 1/2। अगर इवेंट बी हो रहा है तो इन 6 में से अगर 1, 2, 3 आ जाए तो इवेंट बी हो जाएगा, यानी कि बी के होने की प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/2। अगर ए इंटरसेक्शन बी होना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 को आना पड़ेगा, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा एक इवेंट आउट ऑफ ये सारा पॉसिबल सिनेरियोस, यानी कि 1 out of 6। तो A intersection B तो 1 out of 6 है, P of A intersection B हमारा आ गया 1 out of 6। अब P of A times P of B देखते हैं कि ये कितना है, P of A है हमारा 1/2, P of B है हमारा 1/2 जो कि 1/4 के बराबर है। अब ये और ये तो आपस में बराबर नहीं है, ये 1/6 है, ये 1/4 है, यानी कि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, अगर ये 1/6 है ये भी 1/6 आ जाता, या फिर ये 1/4 है ये भी 1/4 आ जाता,
तब हम बोलते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक के होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर इवेंट ए हो जाए तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि इवेंट बी का एक पार्ट हो जाए, टू भी आ जाए, तो इवेंट बी के होने की भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों डिपेंडेंट है। तो आई थिंक अब आपको एक सेंस मिल गया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, उसे कैसे चेक करते हैं और इसे कैसे समझ सकते हैं।